आपका पहला सवाल है, मानव शरीर खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 22, बी 29, सी 27, डी 24। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22। आपका दूसरा सवाल है, मानव शरीर के कान में कुल कितने हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 6, डी 4। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। आपका तीसरा सवाल है, पुरुष के दिमाग का औसत वजन कितना ग्राम का होता है? आपका ऑप्शन है ए 1200 ग्राम, बी 1250 ग्राम, सी 1380 ग्राम, डी 1350 ग्राम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1380 ग्राम। आपका चौथा सवाल है, स्त्री के दिमाग का औसत वजन कितना ग्राम का होता है? आपका ऑप्शन है ए 1250 ग्राम, बी 1340 ग्राम, सी 1350 ग्राम, डी 1280 ग्राम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1250 ग्राम। आपका पांचवा सवाल है, मानव शरीर में जल की कुल मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 42 लीटर, बी 70 लीटर, सी 55 लीटर, डी 71 लीटर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42 लीटर। आपका छठा सवाल है, पुरुषों में हृदय का भार कितना ग्राम का होता है? आपका ऑप्शन है ए 300 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 350 ग्राम, डी 250 ग्राम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 300 ग्राम। आपका सातवां सवाल है, महिलाओं में हृदय का भार कितना ग्राम का होता है? आपका ऑप्शन है ए 350 ग्राम, बी 280 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 250 ग्राम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 250 ग्राम। आपका आठवां सवाल है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 7.35 से 7.45 तक, बी 7, सी 7 से कम, डी 0। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7.35 से 7.45। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 16, बी 20, सी 22, डी 14। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20। आपका दसवां सवाल है, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 24, बी 14, सी 20, डी 22। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 1, डी 6। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। आपका अगला सवाल है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए पेचिश, बी मियादी, सी हैजा, डी आंत खराब होना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंत खराब होना। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए फीमर, बी स्टेपी, सी हुमरस, डी रेडियस।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फीमर। आपका अगला सवाल है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्पेस स्पेस डंडा कैफीन, बी टैनिक अम्ल, सी ब्यूटेरिक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टैनिक अम्ल। आपका लास्ट सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपका ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आयरिश, डी परितारिका। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।